वहीं खबर भोपाल से, जहां शिवराज कैबिनेट की बैठक में एक बड़ा फैसला हुआ है। आपको बता दें, किसान हित में सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जिसमें कृषि उपकरण में लगने वाला टैक्स में अब छूट कर दी गई है। आपको बता दें, 10% की जगह अब 1% ही टैक्स लगेगा। वहीं किसानों को 0% ब्याज पर भी लोन देने को मंजूरी मिल गई है। उद्योगों के लिए भी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसमें उद्योगों को दी जाने वाली छूट को बरकरार रखने का फैसला है। वहीं उद्योगों के लिए बिजली योजना जारी रहेगी। तो शिवरात्रि से पहले कैबिनेट का बड़ा फैसला है, महाकाल मंदिर का परिसर अब भव्य बनाया जाएगा। तो इस खबर पर अपडेट के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता जुगल किशोर शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जुगल जी, शिवराज कैबिनेट ने एक बैठक में बड़ा फैसला लिया है, किसान हित में सरकार ने फैसला लिया है, क्या अपडेट है? देखिए, कैबिनेट की बैठक के फैसलों की अगर हम समीक्षा करेंगे तो इसमें किसान और उद्योगपति दोनों के लिए सरकार ने कुछ ना कुछ उपाय किए हैं। किसानों को कृषि उपकरण में छूट मिलेगी, 10% घटाकर 1% हो गया किसी जो उपकरण है उनमें लगने वाला टैक्स। इसके अलावा 1,000 करोड़ की राशि होगी जो किसानों को 0% ब्याज पे दिया जाएगा। शिवरात्रि से पहले शिवराज सरकार ने महाकाल मंदिर का भव्य परिसर बनाने का फैसला किया है। इसके लिए जमीन भी आवंटित की गई है महाकाल परिसर के लिए। उद्योगपतियों की अगर बात है तो उद्योगों के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। उद्योगों को मिलने वाली छूट जो है उसको बरकरार रखने का फैसला किया है, और बिजली बिल जो आते हैं उद्योगों के उसको लेकर भी सरकार ने फैसला किया। तो हम कह सकते हैं कि उद्योगपति और उद्योग मध्य प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा मिले, निवेश आए मध्य प्रदेश में, इसकी पहल की गई है। किसानों को ज्यादा से ज्यादा छूट दे सके ताकि उनकी आय दोगुनी हो सके, इसको लेकर भी सरकार अपने संकल्प आगे बढ़ रही है, और इसलिए कैबिनेट में किसानों को भी बड़ी राहत दी गई है। बिल्कुल जुगल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो शिवराज कैबिनेट की बैठक में अहम फैसले हुए हैं, किसान हित हो या उद्योग क्षेत्र हो, दोनों ही क्षेत्रों में एक बड़ा फैसला शिवराज कैबिनेट ने लिया है। वहीं शिवरात्रि से पहले कैबिनेट ने महाकाल मंदिर को लेकर भी एक बड़ा फैसला लिया, जिसमें परिसर को भव्य बनाया जाएगा।